जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस अभी बजे हैं रात के 8 और मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में आज क्या बनाऊं सोच रही हूँ। थोड़ा सा मूड खाना बनाने का कम ही है, तो मैं हल्का फुल्का बनाऊंगी। तो आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस, जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर बॉईल होने के लिए पानी रख देंगे ढककर, और इसे बॉईल होने देंगे। उसके बाद हम सब्जियां काटेंगे। तो बस मैंने प्याज, हरी मिर्ची और आलू ली है, क्योंकि बाकी सब्जियां बच्चे राइस में नहीं खाते हैं, तो मैंने सिर्फ ये वाली सब्जियां ही डाल रही। सब्जी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। तो बस प्याज हमने काट लिया है और अभी हम हरी मिर्ची काटेंगे। उसके पहले हम बॉईल होते हुए पानी को देखेंगे। तो बस पानी बॉईल हो गया है और अभी हम चावल इसमें डाल देंगे। तो मैंने एक बोल चावल लिया है और ये मैंने वनस्पति चावल, इंडिया गेट वाले चावल लिए हैं, जो दो टुकड़ी में आते हैं वो वाले चावल लिए हैं। अभी हम तेज़पत्ता डाल देंगे, दो हरी इलायची डाली है और साथ में हमने 2 से 3 लौंग डाली है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चावल में। और बस फटाफट से हम हरी मिर्ची और आलू को भी काट कर तैयार कर लेंगे। तो बस मैंने ज़्यादा पतले नहीं काटे हैं, मतलब बारीक नहीं काटे हैं, और बस मोटे मोटे ही काटे हैं। आलू को भी हमने काट कर तैयार कर लिया है और अभी एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे 2 से 3 बार पानी से वॉश करेंगे, ताकि इसमें जो भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। और अब हम चावल को चेक करेंगे। तो बस चावल भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। हमें इसे 80% तक को करना है, क्योंकि फिर से हम इसे फ्राइड करेंगे। इस तरह की एक स्टील वाली छलनी लेंगे और सारा मांड इससे निकाल देंगे, यानी कि चावल को अच्छे से छान लेंगे। तो बस मांड निकाल कर हम इस साइड में ले आए हैं, मतलब कि चावल में हमने जो तेज पत्ता डाला था उसे हम बाहर निकाल देंगे और चावल को हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और अभी हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। आप चाहे तो इनको ऑयल में भी बना सकते हैं या फिर बटर में भी बना सकते हैं। और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे तो 1/2 छोटा चम्मच के करीब जीरा और 1/2 छोटा चम्मच के करीब इसमें राई डाली है। और बस इसे तड़कने देंगे। जीरा और राई अच्छे से तड़क गए हैं और अभी इसमें डाल देंगे करी लीफ, यानी कि मीठा वाला नीम। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चावल में। और अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक इनको। प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अभी हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची। तो मैंने 3 हरी मिर्ची ली है, आप चाहे तो तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें आलू। इन चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर एक लीड लगाकर कुक करेंगे सॉफ्ट होने तक। कुक होते हुए 10 मिनट हो गई है और अभी हम इनको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो बस ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दूंगी और उसके बाद हम इसमें करेंगे थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, यानी कि 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट चावल नींबू के रस से बहुत ही चटपटे हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। तो बस इस तरीके से आप लोग भी बनाकर एंजॉय कीजिएगा। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए राइस और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस अच्छे से फ्राइड हो गए हैं और अभी हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे ढककर, ताकि ये अच्छे से पक सके। और बस इस तरह से हमारे चटपटे और स्पाइसी राइस बनकर तैयार हैं। इस तरह से बनाए हुए राइस किस किस को पसंद है? तो भाई मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी ये चावल बहुत ही पसंद आते हैं। टेस्टी से राइस हमारे बनकर तैयार है और अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा हरा धनिया पत्ती और बस इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और बस फटाफट से हम इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म। चावल प्लेट लेंगे और चावल को सर्व करेंगे। तो बस टेस्टी से चटपटे से चावल हमारे बनकर तैयार है। तो एक बार भी इस तरीके से फ्राइड राइस आप लोग भी बनाकर एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, इंजॉय करते हैं फ्राइड राइस। तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसे बने हैं। साथ में बनाई है हमने ग्रीन वाली चटनी, यानी कि हरा धनिया वाली चटनी। साथ में कटा हुआ प्याज लेंगे और आधा रख देंगे नींबू, और इसे चटपटा बनाने के लिए
तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा रेसिपी वाला मुझे लिखकर बता सकते हैं। तो भाई मैं तो इस तरह से ब्लॉग बनाना शुरू कर दी हूँ क्योंकि मेरे को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है किसी का भी और मेरा व्यूज ही नहीं बढ़ रहे थे, तो मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया। ये इंजॉय करते हैं फ्राइड राइस, तो भाई मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। तो भाई मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगे हैं, बहुत ही स्पाइसी और चटपटे से फ्राइड राइस बने हैं। आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आए होंगे। सभी फ्रेंड्स लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।